1. नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। एमजीएस यूनिवर्सिटी में प्रचार प्रसार शुरू, एनएसीआई के प्रत्याशियों ने किया प्रचार, कहा फिर से लड़ेंगे एनएसीआई का परचम। छात्र संघ चुनाव को देखते हुए एमडीएस यूनिवर्सिटी में प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। इसी के चलते आज एनएसीआई के प्रत्याशी हेमंत तनवानी ने आज अपने कैंपस में प्रचार किया और वोट की अपील की। हेमंत ने कहा कि मैंने छात्र हितों के लिए कई कार्य किए हैं और इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूं और उम्मीद है कि एक बार फिर से एनएसीआई का परचम एमडीएस में लहराएगा। आप कौन सी पार्टी से लड़ रहे हो, किस तरह से प्रचार कर रहे हो? मैं एनएसयूआई से हूँ, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। मैं आज मुझे इस कैंपस में पिछले 2 सालों से मैं यहाँ छात्रों के लिए और छात्र हितों के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे विभिन्न तरीके के काम जो हैं, जैसे कि यहाँ पे पेड़ पौधे हो गए वो लगवाना, उसके अलावा डिपार्टमेंट में जो परेशानियाँ थी गर्ल्स डिपार्टमेंट में, जूलॉजी डिपार्टमेंट में जो गर्ल्स टॉयलेट का जो गेट था वो जो उसको रिपेयर करने का काम और अन्य काम मैंने यहाँ पे छात्रों के लिए किए हैं। आगे आने वाले 31 तारीख को मैं चुनाव के लिए बिल्कुल अच्छी स्थिति में तैयार हूँ और इस साल मैं फिर से दावा करता हूँ कि जिस तरीके से एनएसयूआई एमडीएस विश्वविद्यालय में पिछले 5 सालों से जीतती हुई आ रही है, उसी तरीके से ऐतिहासिक जीत के साथ हम एक बार फिर यहाँ पे एनएसयूआई का परचम लहराएंगे। कौन कौन है आपके पैनल में? मेरे पैनल में अध्यक्ष पद पे मैं हूँ और मास्टर चीफ पैनल पे आस्था जैन। दो ही जने लग रहे हो आप जी। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम हेमंत कुमार तनवानी। गुलाबाड़ी स्थित राजाकोटी स्कूल में बालिकाओं को वितरित की साइकिल। महिला बाल विकास मंत्री अनीता बद्दिल ने 134 बालिकाओं को वितरित की साइकिल। राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश भर में 9000 से ज्यादा साइकिल होगी वितरित। राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश भर की सरकारी स्कूलों की कक्षा 9वीं की बालिकाओं को साइकिल वितरित की जा रही है ताकि उन्हें स्कूल आने में किसी तरह की परेशानी न हो। इसी कड़ी में आज गुलाबबाड़ी स्थित राजाकोटी स्कूल में महिला बाल विकास मंत्री अनीता बद्दिल द्वारा 134 बालिकाओं को साइकिल दी गई। इस मौके पर स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। पूरे राजस्थान प्रदेश की 9th क्लास की बच्चियों को ट्राईसाइकिल माननीय वसुंधरा जी की तरफ से दी जाती है ताकि वो स्कूल समय से पहुंच सके और स्कूल आने जाने में उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसकी स्कूली शिक्षा पूरी तरह से बहुत अच्छे से हो। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए माननीय वसुंधरा जी ने बेटियों के लिए ये साइकिल की व्यवस्था की है, जिसका वितरण आज इस गुलाबबाड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 9th क्लास की बच्चियों को किया गया है। मैं माननीय वसुंधरा जी का बहुत बहुत इन बेटियों की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने बेटियों की इतनी चिंता की है कि बेटियों का स्वास्थ्य ठीक रहे, बेटियाँ ठीक ढंग से पढ़ें, बेटियों में आत्मविश्वास पैदा हो और हमारी बेटियाँ पतंग जैसे आसमान को छूती है उसी तरह से वो आसमान तक जाए, आसमान को छूने की कोशिश करे और उसी आत्मविश्वास को भरने के लिए ये व्यवस्था की गई है। अब बेटियों को दोपहर का भोजन भी दिया जाता है, उनको स्किल डेवलपमेंट की विभिन्न योजनाओं के साथ भी स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ा गया है ताकि वो कभी आर्थिक परेशानी का सामना ना करे और उसके हाथ में हुनर हो, क्योंकि जिन बच्चियों के हाथ में हुनर होता है वो अपनी दिशा स्वयं तय कर लेती हैं। तो इस तरह से विभिन्न योजनाएं माननीय वसुंधरा जी द्वारा शुरू की गई हैं और हर वर्ष ये योजनाएं बालिकाओं तक पहुंचती हैं और उसी का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आज हमने 9th क्लास की बेटियों को साइकिल वितरण किया है। ये पूरे प्रदेश में लगभग 9000 से अधिक 9th क्लास की बेटियाँ हैं और इस स्कूल का नामांकन, जिस तरह से आप स्कूल परिसर देख रहे हैं, इसका बहुत अच्छा खेल का मैदान है, चारों तरफ चार दीवारी है, अच्छे सुंदर कक्षा कक्ष हैं और इस नाते से स्कूल की बालिकाओं का नामांकन भी बड़ा है। 9th क्लास में इस विद्यालय में लगभग 125 बच्चियां हैं, 134 बच्चियां हैं, 134 बच्चियों को साइकिल दी जाएगी। भारतीय वाहिनी पार्टी की कल निकलेगी रैली, अध्यक्ष घनश्याम तिवाड़ी आएंगे कल अजमेर, आगामी चुनाव को देखते हुए कल करेंगे जनसंवाद।
आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय वाहिनी पार्टी की कल रैली निकाली जाएगी, जो कि माया मंदिर से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से निकलेगी। इसके साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम तिवाड़ी भी कल अजमेर आएंगे और चुनाव को देखते हुए अहम मुद्दों पर जनसंवाद करेंगे। प्रदेश वाहिनी के अध्यक्ष घनश्याम जी तिवाड़ी कल अजमेर आवागमन पर उनको रैली के रूप में माया मंदिर से कचहरी रोड होते हुए स्टेशन रोड, मदार गेट, नया बाजार, चूड़ी बाजार इत्यादि होते हुए इंडोर स्टेडियम पर उनकी रैली समापन होगी। उसमें वह विभिन्न सर्व समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे तथा राजनीतिक गतिविधियां और सामाजिक गतिविधियों पर वह अपने विचार रखेंगे। उनका उद्देश्य आगामी चुनावों के साथ जो समाजों में विभिन्न समाजों में भ्रांतियाँ पैदा हो रही हैं उनको दूर करने का उद्देश्य एक महत्वपूर्ण। राजकीय विधि कॉलेज में एबीवीपी के रचित कचावा की निर्विरोध जीत, निर्दलों ने अपना नामांकन लिया वापस। कॉलेज में रचित कचावा की जीत का निकला जुलूस। छासंग चुनाव में पहले श्रमजीवी कॉलेज और विधि कॉलेज में दो प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत हुई। हालांकि छासंग चुनाव की दिनांक 31 अगस्त है, लेकिन सामने कोई दावेदार नहीं होने से निर्विरोध जीत दे दी गई। आज राजकीय विधि कॉलेज में एबीपी के रचित कच्छावा की निर्विरोध जीत हुई। इनके सामने जो निर्दलीय से खड़े हुए थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और रचित को समर्थन दे दिया। इसके बाद रचित के समर्थकों ने रचित को माला पहनाकर बधाई दी और जुलूस निकाला गया। आज राजकीय विधि महाविद्यालय का जो चुनाव का जो पूरा का पूरा परिणाम रहा है वो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक परिणाम रहा है। ये राजकीय विधि महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र छात्रा की जीत है। निश्चित रूप से जो उन्होंने अपना स्नेह प्यार और समर्थन मुझे दिखाया है उसी का परिणाम रहा कि इससे पहले जो चार जने जो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने चुनाव दो ने लड़ा नहीं, दो के बैक आ गए और एक ने महासचिव पे चुनाव लड़ा। उसके अलावा जो दो जनों ने नामांकन भरा था उन्होंने आज अपना नामांकन वापस ले लिया। इसी को देखते हुए अध्यक्ष पद पर रचित कचावा को मुझे निर्विरोध चुनाव जिताया गया। इसके लिए मैं पूरे छात्र संघ पदाधिकारियों का मुरलीधर बेनीवाल, दीपक दायवा, हिम्मत सिंह सोलंकी की, पप्पू राम जी कुमार सहित पूरे विद्यार्थी परिषद का, विद्यार्थी परिषद के प्रभारियों का हृदय के अंतिम तल से आभार व्यक्त करता हूं कि उनके आज इस मेहनत और परिणाम का ये रहा कि सभी मार्गदर्शकों के कारण आज हम लोग निर्विरोध राजकीय विधि महाविद्यालय के अंदर अध्यक्ष का चुनाव जीते हैं। और ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है ये एक ऐतिहासिक जीत होगी क्योंकि इससे पूर्व राजकीय विधि महाविद्यालय के अंदर अध्यक्ष कोई भी निर्विरोध नहीं जीता है। ये विद्यार्थी परिषद की जो ऐतिहासिक जीत है इसके लिए मैं राजकीय विधि महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र छात्रा को हृदय के अंतिम तल से बधाई देता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। उन्हीं ने जो प्यार दिखाया इसी का परिणाम रहा कि सामने कोई भी खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सका। इसके लिए मैं सभी छात्र छात्रा को, विद्यार्थी परिषद को, छात्र संघ पदाधिकारी को धन्यवाद। भारत माता की। अनिल अनिल पवार आज राजकीय विधि महाविद्यालय के अंदर विद्यार्थी परिषद का छात्र संघ अध्यक्ष रचित कचावा, भाई रचित कचावा को निर्विरोध जिताया गया। इसकी जीत, इसकी मेहनत, इसकी लगन, दो साल की इसकी मेहनत और लगन, इसके प्रयास के कारण इसके सामने जो चुनाव फार्म नामांकन भरा गया, किरण शर्मा, विभा शर्मा, उन्होंने दोनों ने आज सहमति से फार्म उठा के और रचित कचावा को पूर्णतः समर्थन दे दिया। आज निर्विरोध यहाँ पे रचित कचावा की जीत हुई है और इस जीत के पीछे पूर्व में हम जो जीते पदाधिकारी इनका पूर्णतः समर्थन और इनके नेतृत्व और इनके इनमें जीत रही है। इनमें छात्र संघ अध्यक्ष मैं मुरलीधर बेनीवाल, उपाध्यक्ष दीपक दायमा, महासचिव हिम्मत सिंह सोलंकी और सचिव पप्पूराम कुमावत, वे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और पूर्ण जो भी इनके साथ लगे हुए सभी कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद की संपूर्ण टीम, अनिल पवार और अनिल जी कुमावत, वे संपूर्ण लोगों की आज जीत रही है मुरलीधर बेनीवाल छात्र संघ अध्यक्ष राजकीय विधि महाविद्यालय। आज से ये आज ये छात्र संघ अध्यक्ष रचित कचावा को समर्थन दिया। निर्दलीय खड़े होने का दोनों में कुछ गलतफहमियां थी, उन दोनों को बिठाया, दोनों को समझाया और उन्होंने दोनों ने पूर्णतः समर्थन आज दे दिया। कांग्रेस का आरोप, राजस्थान में बैन होने के बाद भी सरकारी कामों में इस्तेमाल की जा रही है बजरी। कांग्रेस ने किया विरोध, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अवैध रूप से इस्तेमाल की जा रही है बजरी। पूरे राजस्थान भर में बजरी के बैन होने के बाद जहां जनता और मजदूरों को परेशानी हो रही है, वहीं सरकारी कामों में बजरी को काम में लिया जा रहा है, ऐसा कहना यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष याशिर चिश्ती और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सबा खान का। दरअसल कलेक्ट्री की दीवार टूट गई है और उसकी मरम्मत का कार्य और थोड़ा कलेक्ट्री में कार्य चल रहा है। जब वहां कांग्रेसियों ने जाके देखा तो उसी बनास की बजरी से कार्य चल रहा था जिस पर हाईकोर्ट द्वारा बैन लगा हुआ है। इस पर कांग्रेसजनों का कहना है कि जब आम जन बजरी मंगा के अपने घर का काम करवाता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन जब सरकार का कार्य होता है तो उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। इस मामले को लेकर कांग्रेसजनों ने चिताया भी है। आज एक तरफ में हाई कोर्ट ने बजरी खनन के ऊपर रोक लगा रखी है, वहीं जहां प्राइवेट आदमी या किसी का घर बन रहा है वहां पे तो सरकारी डंपरों को रोका जा रहा है, वहां पे उन लोगों से वसूली की जा रही है। जहाँ प्राइवेट सेक्टर है उनके अंदर या प्राइवेट किसी का घर बन रहा है वहाँ पे उन लोगों को परेशान किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ
सरकारी ठेकों के अंदर जिस तरीके से यहाँ ये बजरी डंपर पड़ा हुआ है, ये बजरी है यहाँ पे, ये यहाँ पे रोक नहीं लगाई जा रही है। इसका मतलब खुली खुली वसुंधरा राजे ने बड़े भू, ये जो माफिया है बजरी माफिया, इनके साथ में इनका तालमेल बैठा हुआ है। इसका मतलब यही दिखता है सामने। आज जब एक आम नागरिक परेशान हो रहा है, जहाँ उसका मकान नहीं बन पा रहा है, जहाँ उसकी किसी की छत रुकी हुई है, तो ये चीज़ें नहीं दिख रही है सरकार को। यहाँ एक तरफ और एक बड़ा मुद्दा हम लोग इसका पर्दाफाश करेंगे, कई बजरी माफिया है, उन लोगों ने अपने जगहों पे बजरी इकट्ठी कर रखी है और वहाँ से वो लोग इस बजरी का व्यापार कर रहे हैं। अब हमारा विरोध है, युवा कांग्रेस और महिला कांग्रेस इस चीज़ का पुरजोर विरोध करती है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। या तो आम आदमी को भी यहाँ पे बजरी की छूट दी जाए, जिन जिनके मकान रुके हुए उनको मकान बनाने दिए जाए, वरना इन सरकारी महकमों में भी काम रुकना चाहिए। मैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष यासिर चिश्ती। आप ये देखिए कि जहाँ एक आम आदमी बजरी को लेकर के इतना ज़्यादा परेशान चल रहा है, कई ठेकेदार हैं जिनका काम और कारोबार इसलिए ठप हुआ पड़ा है कि उनको बजरी मुहैया नहीं हो पा रही है। यही नहीं, आप ही देखिए बड़े बड़े जितने भी कारोबारी हैं वो इस आवाज़ से लेकर के परेशान है कि उनको बजरी नहीं मिल पा रही है, और अगर वो लोग बजरी लाने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ उनको पकड़कर जुर्माना करके कैसे भी करके पब्लिक को परेशान किया जाता है। लेकिन हद ये हो गई कि आप ये देखिए सरकारी चीज़ बन रही है, कलेक्ट्रेट की दीवार आप देख रहे हैं टूटी पड़ी है, यहाँ काम चल रहा है, और बजरी भी आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा ये बनास वाली जो एक्चुअल बजरी होती है वो है, इससे ये कहाँ से आई। अगर आम आदमी के लिए रूल है तो ये सरकार के लिए रूल क्यों नहीं है? हम सवाल करना चाहते हैं सरकार से कि क्यों आम आदमी को परेशान किया जा रहा है बजरी के लिए। अगर ये यहाँ पे काम चल रहा है तो जो और ज़्यादा काम चलता है तो क्यों उसके ऊपर रोक लगाई जाती है? बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधी राखी, बसों पर उमड़ी महिलाओं की भीड़, फिर यात्रा की मची होड़। भाई बहन के प्यारे और पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन का दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रक्षाबंधन के दिन रोडवेज की सभी नॉन एसी बसों में महिलाओं के लिए राज्य की सीमा में निशुल्क यात्रा की सुविधा रही। रविवार सुबह से ही दिन भर शुभ मुहूर्त में बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर शुभ भविष्य की कामना की। भाइयों ने बहनों का आशीर्वाद देने के साथ शगुन के रूप में उपहार भेंट किए। बहनों ने भाइयों को मुँह मीठा करवाकर रक्षा का वचन लिया। रक्षाबंधन के पर्व पर कई घरों में दूध के साथ सेवैयां आने वाले मेहमानों को परोसे जाने की परंपरा का भी निर्वहन किया गया। घरों में बहनों और नीति रिश्तेदारों के आने जाने के कारण पूरे दिन हंसी खुशी का माहौल रहा। इस मौके पर बाजारों में मिठाई विक्रेताओं के यहाँ ग्राहकों की भीड़ रही। मिठाई व्यवसायियों ने त्यौहार को ध्यान में रखते हुए लोगों की पसंद की विशेष मिठाइयाँ तैयार करवाई। अलग अलग काउंटर भी लगाए गए। रक्षाबंधन के दिन रोडवेज की सभी नॉन एसी बसों में महिलाओं के लिए राज्य की सीमा में निःशुल्क यात्रा की सुविधा रही। यह सुविधा शनिवार आधी रात 12 बजे के बाद से रविवार रक्षाबंधन की रात 12 बजे तक महिलाओं ने निशुल्क रोडवेज बस यात्रा का लाभ उठाया। डीजल रेन इंजन कारखाना प्रशिक्षण शिविर का विधिवत शुभारंभ, ध्वजारोहण के बाद ली शपथ, परेड कर ध्वजा को दी सलामी। अजमेर रेलवे स्टेशन पर नागरिक सुरक्षा संगठन डीजल रेन इंजन कारखाना वाराणसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 2018 का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस क्रम में सर्वप्रथम ध्वजारोहण विजय यादव डिप्टी चीफ रेस्क्यू के द्वारा किया गया। तत्पश्चात परेड द्वारा ध्वज को सलामी दी गई। मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। उक्त प्रशिक्षण शिविर में डीजल रेन इंजन का कारखाना वाराणसी के 40 नागरिक सुरक्षा सभी सेवक सम्मिलित है। ये प्रशिक्षण शिविर दिनांक 27 से 29 अगस्त तक चलेगा। प्रशिक्षण शिविर के दौरान विभिन्न आपदाओं में राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन समय सेवक द्वारा किया जाएगा। सर, आज का यहां आने का उद्देश्य और किस तरह का शिविर है? देखिए, भारतीय रेल में डीजल रेन इंजन कारखाना को एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसे पूरे भारतीय रेल में आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण देने हेतु अधिकृत किया गया है। हमारे यहाँ अखिल भारतीय रेलवे नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान अभी संचालित हो रहा है, उसमें पूरी भारतीय रेल से प्रशिक्षु आते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उसी का एक भाग ये भी है कि हम विभिन्न रेलों में अलग अलग समय पर जा करके उन्हें उन्हीं विधाओं में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। आज के प्रशिक्षण का, आज यहाँ आने का हमारा यही उद्देश्य रहा है। किस तरह का शिविर रहेगा, ये किस-किस को जानकारी? इसमें हम क्षेत्रीय जो हमारा नागरिक सुरक्षा संगठन है उसके माध्यम से सामान्य जन को किस तरह से आपदा की स्थिति में क्या हमें बचाव करना चाहिए, कैसे हमें स्वयं को बचते हुए और जन धन की हानि कम से कम हो, होना तो है ही, जब आपदा आ गई है तो कुछ ना कुछ तो हानि होना ही है, लेकिन कम से कम उसको कैसे क्षति को कम किया जाए, इस पर हम प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। क्योंकि कोई भी घटना दुर्घटना शुरू में बड़ी नहीं होती है, सबसे पहले बहुत छोटी होती है,
और छोटी सी ही अगर हम उसे नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो वो बड़ा रूप धारण करती चली जाती है। हम प्रशिक्षित वही करेंगे कि अगर कोई छोटी आग लग गई है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने लेवल से उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसे बड़ी आग बनने से रोक सकते हैं। इसी तरह से कई और दुर्घटनाएँ जैसे बाढ़ आपदा है, भूकंप की आपदा है, और कहीं बिल्डिंग में कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग में लोग फंस गए हैं, कैसे निकाला जाए, इसका एक बड़ा प्रदर्शन जो हमारे उपलब्ध साधन हैं, अभी श्रीमान विजय यादव जी हमारे साथ हैं, इनके सहयोग से जो साधन हमारे उपलब्ध हैं उनका एक डेमो हम परसों दिन यहीं पर करने वाले हैं स्टेशन परिसर में। आपका शुभनाम? मैं डॉक्टर अष्टभुजा मिश्रा, मैं वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा निरीक्षक यहाँ कैंप शिविर कमांडेंट के रूप में। ब्यावर में स्कूली छात्र ने फांसी पर लटक कर त्यागे प्राण, परिजनों ने जताया हत्या का संदेह। मेडिकल बोर्ड ने पीएम कराकर पुलिस ने शुरू की जांच। ब्यावरत के टौड़गढ़ बाराखान के निगाड़िया गांव निवासी एक 15 वर्षीय स्कूली छात्र युवराज सिंह ने अज्ञात कारणवश बीती शाम को अपनी दुकान में फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर रविवार सुबह मौके पर पहुंची टौड़गढ़ पुलिस ने छात्र को फांसी के फंदे से उतारकर राजकीय मृतक चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर छात्र का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। मृतक के पिता वीरेंद्र सिंह रावत ने अपने पुत्र की हत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया। परिजनों व ग्रामीणों ने मोर्चरी के बाहर बालक की आक्रमण मृत्यु के कारणों की जाँच की मांग की। मामले को गर्म होने पर पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी भी अस्पताल पहुंच गए, जहां पर मृतक बालक के पिता व ग्रामीणों को समझाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। कुछ दिनों पूर्व ब्यावर शहर में एक बालिका छवि शर्मा द्वारा मोमो गेम के चक्कर में फंसकर आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया था। मृतक छात्र के पिता वीरेंद्र सिंह ने मृत युवराज के मोमो या अन्य मोबाइल गेम के चक्कर में आत्महत्या करने की बात को नकारते हुए बताया कि मेरे पुत्र की मौत की न्यायिक जांच की जाए व मौत के लिए उकसाने वाले अज्ञात लोगों का पता लगाकर कठोर कार्रवाई की जाए। इस मामले की जांच कर रहे टौड़गढ़ थाना ने कांस्टेबल पंकज कुमार ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर इस मामले की गंभीरता से जाँच पड़ताल की जा रही है। पिछले कितने दिनों से ये बच्चा, आप इसकी देख कुछ हरकत वगैरह देख रहे थे क्या? आप इस पे निगाह रख रहे थे, ऐसा क्या कर रहा था? ऐसा कुछ नहीं, मतलब सुबह आता 8 बजे स्कूल और स्कूल आने बाद 2 बजे दुकान पे, दुकान से वापस घर गई, हरकत वाली तो बात ही नहीं थी। एक परसेंट भी तो तनाव के कारण आप क्या बता सकते हैं? तनाव का तो भी ऐसा तो कोई तनाव था ही नहीं, मतलब सुबह छोड़ गया, हंसी खुशी के माहौल में छोड़ गया था, स्कूल वापस जा रहा था। वर्तमान मोमो वो ब्लू व्हेल जैसे ऐसे गेम चल रहे उस चक्रों में फंस के बच्चे, नहीं तो ऐसा ऐसा कोई शौक ही नहीं था उसको तो, और वो तो सीधा घर से स्कूल और स्कूल से दुकान, दुकान से घर, बाकी खेलना वेलने का या मोबाइल का या फिर अपने कोई गेम में ऐसा कोई शौक नहीं था। अब किसी पे कोई कि किसी ने कुछ ऐसा किया है या वो ऐसा कोई आरोप लगा? तो भी वो तो संदेह तो है, संदेह का ही मतलब फैसला हम चाहते हैं भाई, अगर ऐसा हुआ है तो मतलब क्या गया उसको सही निर्णय मिलना चाहिए। कौन हो सकते हैं इस बच्चे की? तो अभी तो देखा नहीं तो बाजार में मैं कैसे बता सकता हूँ कौन हो सकते हैं, वही तो इसलिए जांच के लिए तो हम कार्रवाई चाह रहे हैं भाई, हमारे इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह जी सर, अपर तक के पिता है। कल दिनांक 25/8/18 को शाम को 6:48 PM पर थाना टाटगढ़ पर जरिए दूरभाष वीरेंद्र सिंह जी ने इतला दी कि बराखन स्थित मेरी दुकान पर मेरे पुत्र युवराज सिंह ने फांसी खा ली, जिस पर मौके पर गए तो मौके पर वो रस्सी के सारे लटका हुआ था और मौके की कार्रवाई की गई, फोटोग्राफी की गई, उसके बाद लाश को यहाँ लेकर परिजन ब्यावर आए, मोर्चरी में रखवाया और परिजनों के कहने पर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है। डीसी कॉलेज में चुनाव को लेकर तैयारी हुई पूरी, कॉलेज में अध्यक्ष पद पर 6 उम्मीदवारों की होगी जंग, 31 अगस्त को होंगे चुनाव। छात्र संघ चुनाव को देखते हुए सम्राट पृथ्वीराज कॉलेज में सभी तैयारियां हो चुकी है। कॉलेज में अध्यक्ष पद पर 6, उपाध्यक्ष पद पर 3, महासचिव पद पर 6 और सचिव पद पर 26 उम्मीदवारों की जंग होगी। कॉलेज प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों को सभी तरह की जानकारी दी जा चुकी है। 31 अगस्त को सुबह 8 बजे से चुनाव शुरू हो जाएंगे जो कि 1 बजे तक चलेंगे। अब क्या तैयारियां हैं चुनाव? अब नामांकन वापस हो गया, अब हमारे पास हमें वैध नामांकन सूची जो है अंतिम उसका प्रकाशन करना है, उसके बाद अभी हमारी जो फर्दर तैयारी है वो ये है कि बैलेट पेपर छपने जाएंगे, उससे संबंधित निर्वाचन जो कमेटी के हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने मीटिंग ले ली और बैलेट जा रहे हैं, शाम को उनका प्रूफ चेक होगा और उसके बाद फाइनल करेंगे। लिंग दो समिति की जो सिफारिशें हैं वो हम बच्चों के लिए भी चस्पा कर देते हैं, समय समय पर
जो प्रचार प्रसार करके बैनर्स होल्डिंग्स लगाकर वो सारा हम करते हैं। उसके अलावा एक पुलिस और प्रशासन के साथ बच्चों की और मतदाताओं की उनकी एक बैठक करवा कर उनका अच्छा भला बुरा और उनके फ्यूचर पर इस चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ेगा वो सब हम उनको नॉलेज देते हैं। संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज है, स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है, तो किस तरह की यहाँ पे चुनाव वाले दिन व्यवस्था है? संभाग का बड़ा कॉलेज होने के नाते जैसे हमारे यहाँ आर्ट्स फैकल्टी में 3,690 मतदाता हैं, कॉमर्स में 2,381 हैं और साइंस फैकल्टी में 2,402 हैं। इस तरह से टोटल 8,473 स्टूडेंट्स यहाँ पर मतदान करेंगे। तो तैयारी तो क्योंकि ये इतना पुराना और इतना गरिमामयी कॉलेज है, यहाँ पर ये प्रथम बार नहीं हो रहे हैं चुनाव, तो यहाँ जो टीम है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत अच्छा काम करने वाली है। साथ ही हम जो हमारे मतदाता छात्र हैं वो भी हमारे उच्छृंखल नहीं हैं, बहुत अनुशासित होकर, क्योंकि उन्हें पता है कि किस व्यवस्थाओं के साथ काम करना है। उसके अलावा चप्पे चप्पे में हमारा अनुशासन जो प्रॉक्टोरियल बोर्ड है वो पूरा रहता है और सारे महाविद्यालय के व्याख्याता समय समय पर पूरा काम करते हैं। सर आज कितने कैंडिडेट नाम वापस लिए? आज प्रेसिडेंट के पोस्ट के अंदर 2 कैंडिडेट ने वापस लिए, वाइस प्रेसिडेंट में 5 बच्चों ने विड्रॉ किया है, जनरल सेक्रेटरी में 2 ने विड्रॉ किया है और जॉइंट सेक्रेटरी में किसी ने विड्रॉ नहीं किया। कितने प्रत्याशी मैदान में हैं? अब जो मैदान में है उसकी पोजीशन ये है कि प्रेसिडेंट के लिए 6 कैंडिडेट्स हैं और वाइस प्रेसिडेंट में 3 कैंडिडेट हैं, जनरल सेक्रेटरी के अंदर 6 कैंडिडेट हैं और जॉइंट सेक्रेटरी के अंदर 26 कैंडिडेट हैं। क्या तैयारी रहेगी? तैयारियाँ भी पूरी तरह से तैयार हैं, हम लोग बैलेट पेपर प्रिंट करने के लिए हमने ऑर्डर्स कर दिए हैं और आगे की तैयारी जैसे भी इंस्ट्रक्शन में मिलते जाएंगे हम करते जाएंगे। लिंग 2 कमेटी की जो सिफारिश है उनको उनकी पूरा ध्यान रखा गया है, बच्चों को भी बार बार इन्फॉर्मेशन दी गई है, उन्हें बुलाया है, मीटिंग भी करवाई है पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में कि लिंग 2 कमेटी का अक्षरता पालन करना है, किसी तरह से डेविएट नहीं होना है, कल को ऐसा ना हो कि आपके कैंडिडेट में कोई दिक्कत आ जाए। तो हम अभी भी बच्चों से यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें क्योंकि इलेक्शन बड़ा सेंसिटिव है, खासतौर पर खर्चों को लेकर। उनकी लिमिट दे रखी है लिंग 2 कमेटी में 5,000 की, उससे ऊपर उनको नहीं बढ़ सकते वो लोग। इलेक्शन कब होगा? इलेक्शन 31 को है, मॉर्निंग में 8 से लेकर 1 बजे तक के बीच में होगा जी। और बाकी जो डायरेक्शन हैं वो हम नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर देंगे स्टूडेंट्स के लिए जी। और रिजल्ट कब? और काफ़ी हद तक हमने फ्लैग्स और बैनर्स डिस्प्ले करा दिए हैं जिससे बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, और भी यदि कोई इन्फॉर्मेशन देनी होगी वो हम नोटिस बोर्ड डिस्प्ले करा देंगे। गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से NSCI का पैनल कब होगा फाइनल? अब्दुल फरहान खान ने एक बार फिर अपने आप को बताया दावेदार, कहा NSCI के जिले अध्यक्ष ने पैसे के चक्कर में करी गड़बड़ी। नामांकन के दिन जो NSCI की पैनल की गड़बड़ी चल रही थी वो आज फिर से उभर कर आई है। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि राजपाल झाकड़ वाला पैनल फाइनल हो चुका है, लेकिन अब अब्दुल फरहान फिर से अपने आप को NSCI के दावेदार बता रहे हैं। अब्दुल का कहना है कि जिला अध्यक्ष ने पैसों के चक्कर में ये सब किया। अब्दुल का कहना है कि हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया का ऑफिशियल लेटर है। एक तरफ राजपाल झाकड़ के पैनल का भी यही कहना है। अगर हम दूसरी ओर सोशल मीडिया को देखें तो उधर NSCI के पेज पर जो लेटर पैड है उसमें भी अब्दुल के पैनल का ही नाम दिख रहा है। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है उसका दावा इस पोस्ट को देखकर नहीं ठोका जा सकता। NSCI के जिला अध्यक्ष नवीन सोनी का कहना है कि राजपाल झाकड़ का ही टिकट फाइनल है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। भाई राजपाल झाकड़ को प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया जी के अनुसार भाई राजपाल झाकड़ को ही टिकट दिया जाता है NSCI अध्यक्ष पद पे, और जो बाकी मार्केट में जो भी टिकट चल रहे हैं वो सारे फर्जी है, सिर्फ राजपाल झाकड़ का अध्यक्ष पे टिकट मान्य है। मैं नवीन सोनी अजमेर NSCI जिला अध्यक्ष। अब किसका टिकट फाइनल है किसका नहीं ये तो 31 अगस्त चुनाव वाले दिन ही पता चल पाएगा। हाँ भाई, क्या मानते हो कि आपका टिकट फाइनल है और आपका अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बोल रहे हैं कि आपका टिकट फाइनल नहीं है, क्या फायदा? मुझे हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रदेश इंचार्ज है नीरज कुंदन जी और प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया जी उनका लेटर पैड मेरे को प्राप्त हुआ है और उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट में वो रेगुलर उन्होंने ही मेरे का टिकट फाइनल किया है और मेरा जो पैनल है वही NSCI का सर्वमान्य पैनल है। जिला अध्यक्ष कुछ लालच के चक्कर में वो अभी अजमेर शहर छोड़ चुका है, उसका कोई अता पता नहीं है ना कोई ठिकाना है, वो पता नहीं कौन सी गुफा में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाहिर करना चाहता है कि मेरा टिकट फाइनल है, जबकि वो उसने कुछ लालच लिया है, कुछ लेन देन हुआ है उनके बीच में, जो भी हुआ है जो जिस
मुद्दे पे वो प्रदेश अध्यक्ष जी भी नाराज हैं और वो जल्दी जिला अध्यक्ष पे कार्रवाई करेंगे। वो बोल रहे हैं कि जो आपने फैसी लेटर काम में लिया है और ये आपके खिलाफ ये बिल्कुल झूठ, अगर मैं हूँ तो मेरे ऊपर हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करो। हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जो फ़ोन पे हमारी रेगुलर बात हो रही है प्रदेश अध्यक्ष जी से, पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग है। हमारे कोई फर्जी नहीं है, फर्जी वो लोग हैं जो जिला अध्यक्ष, पता नहीं अगर वो फर्जी नहीं है तो सामने आए ना, छुपके क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो यहाँ पे करें ना, अपने डाक बंगले आके प्रेस कॉन्फ्रेंस का कर रहा है वो, कुछ अता पता ही नहीं है, उसका ठिकाना ही नहीं है, तो फर्जी वो है। हम यहाँ पे घूम रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी से हमारा रेगुलर बात ही हो रही है, प्रदेश इंचार्ज से बात हो रही है नीरज कुंदन जी से, उन्होंने बोला अब्दुल फरहान वाला पैनल फाइनल है। कौन कौन है आपके पैनल? मेरे पैनल में अब्दुल फरहान खान, मानसी सैनी, दीपक मेघवंशी और लक्ष्मण चावला। अगर अब आपका नहीं होता है अभी भी बोलते हैं कि नहीं है। मेरा फाइनल है, नहीं होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मेरे को प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश से बात चल रही है हमारी रेगुलर और उन्होंने हमारा फाइनल कर दिया, तो हमें जिलाध्यक्ष पे उन्होंने बोला है हम जल्दी कार्रवाई करके उसको जो भी उनको कार्रवाई करनी है वो जल्दी कर देंगे। कितने पैसे लिए इन्होंने? कोई इतना कोई फिक्स पता नहीं है, लेकिन इनके बीच कुछ ना कुछ लेन देन हुआ था। अभी जिलाध्यक्ष इतना प्रदेश अध्यक्ष जी की फ़ोन नहीं उठा रहा है, फ़ोन बंद करके बैठा हुआ है। आपने भी प्रेस मीडिया ने भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी होगी, तो वो उसका कुछ अता पता ही नहीं है, ये है एक मेन कारण। आपका टिकट फाइनल होता है, कभी आपका टिकट काट दिया जाता है, अभी भी आपका टिकट काटा गया है ऐसा सुनने में आ रहा है? देखिए मुझे आप लोगों से बस ये कहना है कि पहले लेटर पैड जो जारी हुआ था उसमें मेरा टिकट फाइनल था, दूसरा लेटर पैड जो जारी हुआ उसमें भी मेरा टिकट फाइनल था। तो मैं बस ये रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, NHAI का जो पूरी टीम है वो हमारे साथ खड़ी है, हमारे साथ ही कैंपनिंग करने जाते हैं और हमारे साथ ही रहते हैं। उसके अलावा जो भी है प्रदेश अध्यक्ष हमारे अभिमन्यु पुनिया जी, उनके द्वारा भी हमारा टिकट का पैनल का पूरा फाइनल है, और जो नवीन सोनी जी हैं अध्यक्ष रहते हैं, उनको बस ये चीज़ है कि उन्होंने फाइनल किया है टिकट, तो उनको यहाँ आ करके एक बार आपको बताना चाहिए कि वो कहाँ है, एक बार उनको यहाँ आ करके बताना चाहिए, जिससे ये जो समस्या हो रही है, कन्फ्यूज़न हो रही है, ये क्लियर हो, मेन चीज़ बस ये। क्या मानते हैं ऐसा जिला अध्यक्ष आपका बनाए तो क्या सही है क्या? देखिए उनके लिए सही है या नहीं है वो हम कुछ नहीं कह सकते, बस ये चीज़ है कि जो फर्स्ट लेटर पैड उन्होंने जारी किया जिसके हमारा नाम था, दूसरा भी जारी हुआ उसमें भी नाम था, न्यूज़पेपर में नाम हमारा भी आया और आपने देखा होगा वो चीज़, तो ये चीज़ है। NHAI से प्रत्याशी है, पहले दिन से NHAI का टैग लगा के घूमते हैं, पहले दिन से हर जगह पर NHAI का टैग लगा हुआ है, तो जो है वो बात है, और हम ये चाहते हैं कि वो आए खुद और यहाँ पर आकर के बोले, क्योंकि NHAI के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, जितनी भी टीम है, वो सारी हमारे साथ आज खड़ी है। मानसी उपाध्यक्ष पद सम्राट पृथ्वीराज चौहान चौहान NHAI। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com। सच के साथ।